हेलो, गुड आफ्टरनून। एम आई ऑडिबल विजिबल? कई लोगों को ज्वाइन करने लेते थे, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम। एक बार लोग ज्वाइन कर लें, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं, जब तक एक बार टेक चेक कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते। दिस इज इंट्रोडक्शन। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एंड आई एम फैजान खान। आई एम अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। माई प्राइम एरिया ऑफ प्रैक्टिस इज एनसीईआरटी डीआरटी इन दिल्ली हाई कोर्ट इन कॉर्पोरेट लॉ मैटर्स अंडर आईबीसी कंपनीज एक्ट एंड अदर इंस्टीट्यूट। तो सभी लोगों से बोलूंगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को क्लासेस के आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी नीलम, मीनू, वही सभी लोग बेल आइकन प्रेस कर लिया करें ताकि आप लोगों को आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन मेरे मिलते रहें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कल आप लोगों को याद दिला देता हूं, मैंने ऑर्डर वन से लेके टेन तक, ऑर्डर वन से लेके टेन तक सीपीसी में जो भी इम्पॉर्टेंट रूल्स थे वो सारे कवर करा दिए थे। आज हम आगे के रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं जो आपसे प्री में पूछे जा सकते हैं। देखो क्या क्या पॉइंट प्री में पूछा जा सकता है इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। और बहुत जल्दी से, जहां आप लोगों को सीपीसी पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, कल हम लोगों ने 1.5 घंटे की क्लास में ऑर्डर वन से लेकर टेन तक कवर कर लिए थे। इसी तरीके से हम आगे के ऑर्डर्स भी कवर कर लेंगे जहाँ आप लोग आसानी से प्री से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप समझ जाएंगे। देखो आप लोग जब प्री की तैयारी करते हो तो आप लोगों को बड़ा टाइम लगता है पेपर को एनालाइज करने में कि एक्चुअल में किस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में मदद करने वाला हूं कि एक्चुअली आपसे क्वेश्चन पूछा कहां से जाता है। और बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आप आंसर लगा तो आते हो क्योंकि आपने कहीं पढ़ा होता है, बट ये नहीं पता होता कि आपको एक्चुअल में ये बात लिखी कहाँ थी। आपने कभी सुना होता है, क्लास में नोट्स में लिखा होता है, बट एक्चुअल में उसके आगे उस पर्टिकुलर लाइन का रेफरेंस नहीं पता होता कि डायरेक्ट में ये लाइन कहाँ लिखी है। तो मैं आप लोगों को आज वही पॉइंट हाईलाइट करने वाला हूं कि इससे रिलेटेड लाइंस कहां कहां लिखी हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑर्डर 11 के बारे में बात करने वाला हूं, जहां मैं आप लोगों को बताने वाला हूं डिस्कवरी और इंस्पेक्शन क्या है। ठीक है, देखो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। भाई इंस्पेक्शन क्या होता है? इंस्पेक्शन होता है डॉक्यूमेंट्स का, डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन। यानी कि प्लेंटिव ने अगर डॉक्यूमेंट सबमिट किए तो डिफेंडेंट इंस्पेक्ट कर सकता है, और डिपेंडेंट ने अगर डॉक्यूमेंट सबमिट किए तो प्लेंटिव इंस्पेक्ट कर सकता है। इसके अलावा डिस्कवरी क्या होती है? डिस्कवरी कहते हैं यहाँ इस केस में, भाई डिस्कवरी के केस में जो प्लेंटिव है या फिर डिपेंडेंट है, जो प्लेंटिव है या फिर डिपेंडेंट है, वो लोग दूसरी पार्टी से, यानी प्लेंटिव डिपेंडेंट से या डिपेंडेंट प्लेंटिव से, एक पेपर बना के देता है या फिर कुछ क्वेश्चंस रेज करता है जो जिसका आंसर डिपेंडेंट को देना होता है। ये डिस्कवरी होती है। तो इसी के बारे में मैं आप लोगों से आज बात करने वाला हूँ। देखो यहाँ लिखा हुआ है, भाई कोर्ट के लिए सिर्फ इशू फ्रेम करना काफ़ी नहीं है, पार्टीज को केस को सुनना ज़रूरी नहीं है, बल्कि डिस्कवरी और इंस्पेक्शन जो है वो कोर्ट को बहुत हेल्प करते हैं केस को एक्चुअल समझने के लिए। भाई केस की एक्चुअल नॉलेज जो है वो यहीं से मिलती है डिस्कवरी और इंस्पेक्शन के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई डिस्कवरी बाई इंटेरोगेटरी कहाँ लिखा हुआ है? ऑर्डर 11 में आप लोगों को मिला लिखा हुआ मिलेगा
डिस्कवरी भाई इंटेरोगेटरीज। भाई इंटेरोगेटरीज क्या होती है ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका भाई। क्वेश्चंस फ्रेम करके एक पार्टी प्लेंटिफ डिफेंडेंट को देता है कि भाई आप मेरे इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, या फिर डिफेंडेंट प्लेंटिफ को देता है कि आप मेरे इस क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। तो यहाँ याद रखिएगा ऑर्डर 11 में इंपॉर्टेंट है भाई, कोर्ट इंटेरोगेटरीज राइटिंग में होती है हमेशा, पहली बात। दूसरी बात, अपोजिट पार्टी को दी जाती हैं एंड सच इंटेरोगेटरीज शैल ऑलवेज हैव अ फुट नोट स्टेटिंग कि भाई वो पर्सन कौन सा पर्सन उसका आंसर देगा। मतलब एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है तो वो उससे पूछा जाता है कि भाई ये पर्टिकुलर पर्सन जो है मेरे इस सवाल का आंसर देगा। उसके बाद एक्चुअल क्वेश्चन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस क्लॉज का वो ये है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कहते हैं इंटेरोगेटरीज नॉट रिलेटेड इन क्वेश्चन बी डीम्ड इररेलेवेंट और नॉट विद स्टैंडिंग दे माइट बी एडमिसिबल ऑन दी ओरल क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस। यहाँ आपसे ये पॉइंट पूछा जाता है कि जो इंटेरोगेटरीज हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन में एडमिसिबल होती हैं या नहीं होती हैं। तो यहाँ इसका आंसर लिखा हुआ है नॉट विद स्टैंडिंग दे माइट बी एडमिसिबल ऑन दी ओरल एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो में ये रूल लिखा हुआ है, यहाँ से आपसे ऑर्डर 11 से क्लॉज 1 से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद पर्टिकुलर्स इंटेरोगेटरीज के कैसे सबमिट होते हैं, तो इसमें भी याद रखिएगा यहाँ ये जो 7 डेज का टाइम पीरियड है ना ये नोट कर लीजिएगा। इंटेरोगेटरीज कोर्ट में सबमिट होती हैं और कोर्ट जो है इसके बारे में डिसाइड करता है भाई प्लेंटिफ से, आप प्लेंटिफ डिफेंडेंट से क्वेश्चन पूछना चाहता है तो ये सबसे पहले इसे कोर्ट में सबमिट करेगा और कोर्ट इसे 7 दिन के अंदर अंदर डिसाइड करेगा कि डिफेंडेंट को ये इंटेरोगेटरीज का आंसर देना है या नहीं देना है। तो इसके बारे में 7 दिन में कोर्ट डिसाइड करता है। ये पॉइंट जो है आपको कहाँ मिलता है, ये मिलता है ऑर्डर 2 में, सॉरी रूल 2 में ऑर्डर 11 के, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों से बोलूँगा यहाँ ऑब्जेक्शन टू इंटेरोगेटरीज, अगर डिफेंडेंट कोई ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहता है तो कर सकता है। ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं कि ये स्कैंडलस है, इररेलेवेंट है और नॉट एग्जिबिटेड बोनाफाइड फॉर दी पर्पस ऑफ दी सूट। यहाँ याद रखिएगा ये 3 ग्राउंड है, यहाँ ये 3 ग्राउंड है ये आपसे पूछे जाते हैं जो पेपर में ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं आर रिक्वायर्ड सफिशियंट मटेरियल स्टेज ऑन दी ग्राउंड प्रिविलेज मे बी टेकन इन एफिडेविट इन आंसर, ठीक है। यहाँ आप उसका आंसर एफिडेविट में लेते हैं। उसके बाद यहाँ सेक्शन 7 रूल 7 जो बात करता है किसके बारे में, ये कहता है कोर्ट सेट असाइड कर सकता है या स्ट्राइक आउट कर सकता है इंटेरोगेटरीज को, कब, जब वो अनरीजनेबल हो, वेक्सेशियस हो, तब जो है कोर्ट सेट असाइड कर सकता है, ठीक है। यहाँ याद रखिएगा यहाँ अनरीजनेबल और वेक्सेशियस दे रखा है, वहाँ उससे पहले ऑर्डर्स 11 के रूल 6 में स्कैंडलस इररेलेवेंट और नॉट एग्जिबिट बोनाफाइड फॉर द पर्पस ऑफ सूट, यहाँ ये पॉइंट दे रखा है। यहाँ दोनों ही रूल इंपॉर्टेंट हैं और ये पूछे जाते हैं। इंटेरोगेटरीज का आंसर कितने दिन में देना होता है, 10 डेज का टाइम पीरियड, 10 डेज का टाइम पीरियड है, ये इंपॉर्टेंट है। इंटेरोगेटरीज का आंसर कितने दिन में देना होता है, 10 डेज में देना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है रूल 8 में, देख लीजिएगा रूल 8 में ये पॉइंट लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और देखिएगा भाई, यहां 11 मिसिंग है, याद रखिएगा 11 में भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 11 में भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहां एक लाइन लिखी हुई मिलेगी आपको रूल 11 में लास्ट वाली, Either by affidavit or viva voice examination, or viva voice examination, ये पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Either by affidavit or viva voice examination, मगर ये पॉइंट भी याद रखिएगा ये 10 डेज में आंसर देना होता है, answered by affidavit, और वो रिगार्डिंग लिखा है फर्दर आंसर के, ये फर्दर आंसर के रिगार्डिंग लिखा है और वो लिखा है एफिडेविट पे आपको इंटेरोगेटरीज का आंसर देना होता है। भाई डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में
आप कहाँ लिखा हुआ है ये रूल 12 में आपसे पूछा जाता है। देखो सारे रूल नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को, केवल वही रूल बताऊंगा जो आपसे प्री के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, जहां से प्री से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ उतने के बारे में ही मैं आप लोगों से बात करूंगा, ठीक है। बोलिए जी, रूल 12 समझ आ गया, एप्लीकेशन फॉर डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स कहां दे रखी है इसके बारे में लिखा हुआ मिलता है आपको रूल 12 में। उसके बाद मैं आप लोगों से बोलूंगा इसका रूल 21 पे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक रूल 10 पे, एक रूल 10 पे, एक रूल 21 पे, रूल 6 पे, रूल 6 पे, ठीक है, और एक था रूल 1। ये कुछ रूल्स एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखिएगा। ये कहते हैं अगर नॉन कंप्लाइंस कर देते हो आप डिस्कवरी का तो क्या होगा, अगर वो प्लेंटिफ है, अगर वो प्लेंटिफ है तो उस केस में क्या होगा, सूट डिसमिस हो जाएगा, सूट डिसमिस हो जाएगा। अगर वो डिफेंडेंट है तो क्या होगा, तो ये कहते हैं ऐसे माना जाएगा स्ट्रक आउट टू बी प्लेस्ड एज सेम पोजिशन हैज नॉट डिफेंडेड, हैज नॉट डिफेंडेड, ये याद रखिएगा। ये पहला वाला पॉइंट प्लेंटिव के लिए लिखा है, दूसरा वाला पॉइंट डिफेंडेंट के लिए पूछा है और भर भर के पूछा जाता है। इसके बाद प्लेंटिव से रिलेटेड एक लाइन यहाँ क्लॉज टू में मिलती है, आपसे पूछा जाता है बट समझ नहीं आता ये लाइन लिखी हुई मिलती कहाँ है। ये कहते हैं अगर सूट डिसमिस कर दिया तो प्लेंटिव प्रिक्लूड कर दिया जाता है ब्रिंगिंग फ्रेश सूट ऑन सेम कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि प्लेंटिव अगर प्लेंटिव डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं करता तो उस केस में सूट डिसमिस हो जाएगा और उसे बार कर दिया जाएगा फ्रॉम फाइलिंग फ्रेश सूट, बार फ्रॉम फाइलिंग फ्रेश सूट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा रूल 21 पे। बताइए जी, बताइए, रूल 21 समझ आ गया? देखा है भाई लास्ट ईयर के क्वेश्चन अगर लगा के देखे होंगे तो पता होगा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं? देखा है लास्ट ईयर के क्वेश्चन में, मॉक टेस्ट में कहीं किसी भी टीचर से किया हो मॉक टेस्ट में देखोगे आप। चलिए उसके बाद ये कहते हैं इंटेरोगेटरीज को ट्रायल के टाइम पे यूज किया जा सकता है, यूज इन एविडेंस, यूज इन एविडेंस, इंटेरोगेटरीज को ट्रायल के टाइम पे यूज किया जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ट्रायल के टाइम पे यूज किया जा सकता है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। बोलिए जी, बोलिए, भाई देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के, यही पॉइंट नजर आएंगे और कुछ भी नजर नहीं आएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑर्डर 12 की। देखो ऑर्डर 12 एडमिशन से डील करता है, यहां एडमिशन के बारे में आपको एक छोटी सी बातें बताई गई है। ये कहते हैं भाई कोर्ट को जब किसी पॉइंट की सफिशियंट नॉलेज हो जाती है अबाउट एलिगेशन एंड डिफेंस प्रेजेंटेड बाई द इंस्पेक्शन एंड डिस्कवरी ऑफ फैक्ट एसोसिएटेड विद सूट एडमिट द ट्रूथ, एडमिट द ट्रूथ और होल ऑफ अ प्लीडिंग, तो कोर्ट जो है जजमेंट दे देता है। यानी कि अगर कहीं यहाँ ऑर्डर 12 किससे डील करता है, एडमिशन से डील करता है। ये कहता है अगर किसी पार्टी ने फैक्ट एडमिट कर लिए तो उस केसेस में ऑर्डर 12 के रूल 6 में कोर्ट जो है जजमेंट दे देता है। अगर पार्टीज ने फैक्ट एडमिट कर लिए तो कोर्ट जो है ऑर्डर 12 रूल 6 में जजमेंट दे देता है उस पार्टी के अगेंस्ट, ये बात डील करती है ऑर्डर 12 रूल 6। मगर सिर्फ यहीं तक लिमिटेड मत रहो क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इससे ज़्यादा पूछे जाते हैं। कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं ये पॉइंट हाईलाइट कर देता हूँ। देखो पहली बात याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन मिलेगा पहली बात नोटिस टू एडमिशन ऑफ केस, नोटिस टू एडमिशन ऑफ केस, भाई कहाँ कहाँ किए जा सकते हैं। एनी पार्टी में गिव नोटिस बाई हिज प्लीडिंग,
और अदरवाइज इन राइटिंग एडमिट डी ट्रूथ ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ केस, या तो प्लीडिंग के थ्रू किए जा सकते हैं या फिर अदरवाइज इन राइटिंग। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में क्वेश्चन मिलता है, प्लीडिंग में किए जा सकते हैं याद रखिएगा, और अदरवाइज इन राइटिंग दे रखा है तो उसे भी टिक करके आइएगा। पूछा जाता है इधर ए और बी, इधर ए या फिर ओनली ए, बी नहीं होगा तो ऐसा पॉइंट पूछा जाता है, तो यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद यहां बता देता हूं, नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट, नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट आपको किस में मिलता है, रूल टू में मिलता है। फोर में मिलेगा आपको एडमिट फैक्ट, नोटिस टू एडमिट फैक्ट ये आपको रूल फोर में मिलता है, ठीक है। उसके बाद नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट ये आपको रूल एट में मिलता है। पेपर में कंफ्यूजन कॉज करते हैं तीनों पॉइंट, नोटिस है तीनों में, यहां टू में लिखा है एडमिट डॉक्यूमेंट, नोटिस है तीनों में एडमिट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, यहां फैक्ट से रिलेटेड और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, भर भर के पूछा जाता है। उसके बाद यहां सेवन डेज का टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर आप लोगों को बताता हूं रूल फोर में एक पॉइंट मिलेगा आप लोगों को, यहां ये वाला देखो जी, एक नौ दिन वाला टाइम नजर आएगा कहीं, नाइन डेज वाला पॉइंट, नाइन डेज वाला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसी रूल में ना एक पॉइंट और दे रखा है सिक्स डेज, मगर ये नहीं पूछते वो कभी भी, हमेशा ये ही वाला पॉइंट पूछा जाएगा। नोटिस टू एडमिट फैक्ट कितने दिन में, नॉट लेटर देन नाइन डेज, नॉट लेटर देन नाइन डेज ये पॉइंट लिख लीजिएगा, ये पूछा जाता है। दे छह दिन का टाइम भी रखा है, मगर ये कभी नहीं पूछते, हमेशा सिर्फ और सिर्फ यही वाला पॉइंट पूछते हैं। भाई बात समझ आ रही है? सीपीसी एक मिनट में रिवाइज हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखना, आप लोगों को 90% क्वेश्चन मेरे जो बताए हुए पॉइंट है यहीं से नजर आएंगे। उसके बाद ये कहते हैं अगर कोई पार्टी एडमिशन कर लेती है फैक्ट का तो कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, ये इंपॉर्टेंट है प्री का सवाल, एट एनी स्टेज ऑफ द सूट ऑन एप्लीकेशन, ये भी प्री का सवाल है, और सू मोटो, और सू मोटो यानी कि ऑन इट्स ओन मोशन, ये तीनों पॉइंट प्री के सवाल है। जजमेंट सुना सकता है, गिव जजमेंट, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं अगर जजमेंट सुनाया है तो ड्रॉ की जाएगी डिग्री, एंड जजमेंट एंड डिग्री शैल बी द डेट ऑन विच जजमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड, भाई डिग्री दी जाएगी उस केस में जहां जजमेंट प्रोनाउंस किया गया है, ठीक है। तो डिग्री और जजमेंट की डेट जो है वो सेम होगी, तो यहां एक पॉइंट आपको मिलता है रूल सिक्स में, ठीक है। नहीं नहीं मुकेश देवी, सिक्स डेज वाला जो पॉइंट था ना, यहां सिक्स डेज वाला पॉइंट इसे नहीं याद रखना, याद रखना ये नाइन डेज वाला पॉइंट, नाइन डेज वाला पॉइंट ये नहीं पूछा जाता आपसे, प्री का सवाल है ये नाइन डेज वाला पॉइंट। ठीक है चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट रूल एट में है, याद रखिएगा, ठीक है याद रखिएगा इस पॉइंट को, पूछा जाता है पेपर में। ठीक है अच्छा एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है, देखो अगर देखो ये कहते हैं ऑफ एनी पार्टी, ऑफ एनी पार्टी ये भी इंपॉर्टेंट है यहां रूल सिक्स में। ये कहते हैं क्या डिफेंडेंट अपने अगेंस्ट जजमेंट, अपने अगेंस्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल फाइल कर सकता है, क्योंकि लिखा है ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी पूछा जाता है, इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
बोलो जी बोलो। ठीक है, अच्छा फिर भी एक पॉइंट और बोल दूंगा भाई, इस पॉइंट को भी देख के जाइएगा। मैंने देखा कुछ प्रीवियस ईयर में ना ये पॉइंट भी पूछे हैं, नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट 7 दिन का टाइम है, नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट्स में 7 दिन का टाइम है। ठीक है, यहाँ इसे भी देख के जाइएगा, यहाँ लिख लीजिएगा भाई, यहाँ 7 दिन का टाइम है, यहाँ ये 9 दिन का टाइम है। ठीक है, और यहाँ कोई टाइम पीरियड मेंशन है? नहीं जी, यहाँ कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है। ठीक है, तो इस पॉइंट को देख के जाइएगा। अगर देखो 6 दिन का पॉइंट कहाँ लिखा है, 6 दिन का पॉइंट कहाँ लिखा है, ये कहते हैं अगर नेगलेक्ट करता है, नेगलेक्ट करता है टू एडमिट दी सेम इन 6 डेज, अगर नेगलेक्ट करता है 6 डेज में तो क्या होगा। ठीक है भाई, पार्टी जो है दूसरी पार्टी को फैक्ट एडमिट करने के लिए बोल सकती है, जो कि उसे 9 दिन में एडमिट करने, 6 दिन और दिए जाते हैं, तो इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। देखो यहाँ डेज वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिर से बता देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम भाई। रूल 13 में आपसे प्रोड्यूसिंग और इम्पाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में कहा जाता है, और रिटर्न्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या लिखा हुआ है भाई, ये कहते हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं पार्टीज के सामने, सॉरी कोर्ट के सामने, वो कोर्ट अपने पास जब्त कर सकता है, जो उसे लगता है कि ज़रूरत के नहीं है वो रिटर्न कर सकता है, और आप भी एप्लीकेशन लगा के कोर्ट से वो डॉक्यूमेंट्स वापस मांग सकते हो। भाई देखो रूल 13 में मैं आप लोगों को बता दूं कि आपसे जनरली कुछ पूछा नहीं जाता, बट आपसे मैं बोलूँगा इसमें फिर भी ऑर्डर 13 में 2 रूल मार्क कर लीजिएगा, एक रूल 3 और एक रूल 4, रूल 3 और रूल 4। ठीक है, ये मार्क कर लीजिएगा, ये कभी कभी पूछ लिए गए हैं, तो वैसे पूछा नहीं जाता बट चांसेस हैं, और कभी कभी रेयर केसेस में रूल 3 और 4 से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसलिए मैंने आपको ये भी मार्क करा दिया है। ठीक है, चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। सेटलमेंट ऑफ इशू भाई ये इंपॉर्टेंट है, सेटलमेंट ऑफ इशू इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ इशू वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बता देता हूं भाई। सेटलमेंट ऑफ इशू से पहली बात तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर सेटलमेंट ऑफ इशू यानी कि फ्रेमिंग ऑफ इशू का ऑर्डर नंबर कौन सा है, 14 है। फिर से बोलता हूँ, जिसे ऑर्डर नंबर नहीं याद होते, मेरी सीपीसी की ऑर्डर की ट्रिक की वीडियो देख के जाइएगा, पिक्चराइज्ड फॉर्म में है, जैसे वो बचपन में चाचा चौधरी वाली मैगजीन देखी होगी ना, साइड में ऊपर लिखा हुआ मिलता था, ऐसे ही सब कुछ आप लोगों को वहां उसमें मिल जाएगा। ठीक है भाई, याद रखिएगा यहां से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी याद रखिएगा। ठीक है भाई, पहला पॉइंट सेटलमेंट ऑफ इशू में कहते हैं, ये बेसिक पॉइंट दे रखा है भाई, रूल 1 में बता रखा है कि जिस पार्टीज पे इश्यूज क्या होते हैं, जहां 2 पार्टी आपस में एग्री नहीं करती, कोर्ट उस पॉइंट पर डिसीजन देने के लिए जो अपना माइंड बनाता है, इसी को हम बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज में ये रूल 1 दे रखा है इसका, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज भाई, कोर्ट जो है रूल इशू फ्रेम करता है, कैसे फ्रेम करता है तो याद रखिएगा, मेटेरियल प्रपोजिशन ऑफ फैक्ट, 1 पार्टी एंड डिनाइड बाई अदर। ठीक है, एक तो ये पॉइंट, उसके बाद ये कहते हैं इशू कितने टाइप के होते हैं, यहां लिखा है इशू ऑफ फैक्ट और इशू ऑफ लॉ, इशू ऑफ फैक्ट और इशू ऑफ लॉ याद रखिएगा, प्री में जब पॉइंट आए तो एक थर्ड वाला पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा, ये है मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ, मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ, ये तीसरे टाइप का भी इशू एग्जिस्ट करता है, इशू ऑफ फैक्ट और इशू ऑफ लॉ, और तीसरे टाइप का मिक्स्ड पे भी इशू एग्जिस्ट करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आप लोगों से बोलूंगा, यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है रूल 2 में, रूल 2 में कहते हैं भाई प्रोनाउंस किया जाता है जजमेंट ऑन ऑल इश्यूज,
ऑन ऑल इश्यूज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट, भाई अगर इशू लॉ का है और फैक्ट का है तो उस केस में कोर्ट किसकी ओपिनियन पे डिस्पोज ऑफ करेगा, कौन सा, ऑन एनी इशू ऑफ द लॉ। मतलब ये कहते हैं अगर कोई इशू है जिसमें इशू ऑफ लॉ और इशू ऑफ फैक्ट दोनों एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इशू ऑफ लॉ और इशू ऑफ फैक्ट एग्जिस्ट करता है तो कोर्ट पहला इशू कौन सा ट्राई करता है, फर्स्ट इशू कौन सा है। तो यहां आपको रूल टू में मिलता है पहले ज्यूरिसडिक्शन का और बार टू सूट क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कि इनका मतलब ये है कि लॉ का इशू पहले जो है कोर्ट एंटरटेन करेगा और बाद में फैक्ट का एंटरटेन करेगा, मगर बाद में जजमेंट आ चुके हैं कि कोर्ट जो है पहले फैक्ट का भी इशू एंटरटेन कर सकता है, बट फिर भी आप प्री के सेफर साइड से भाई रूल टू के अकॉर्डिंग लॉ के इशू को टिक कर सकते हो। यहाँ पूछा जाता है पहले अगर इशू है तो किसका इशू एंटरटेन करेगा, ज्यूरिसडिक्शन का और बार क्रिएटेड बाय लॉ का, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा मैं आप लोगों से बोलूंगा एक पॉइंट इसका रूल थ्री में भी मिलेगा, रूल थ्री भाई लिखा हुआ नहीं है मगर मैं बता देता हूं आप लोगों को, रूल थ्री में कहते हैं कोर्ट इशू किसके बेसिस पे फ्रेम करेगा, ये कहते हैं एलिगेशन, एलिगेशन के बेसिस पर, एलिगेशन ऑन ओथ, दूसरा पॉइंट प्लीडिंग, प्लीडिंग, तीसरा पॉइंट आंसर इन इंटेरोगेटरीज, आंसर इन इंटेरोगेटरीज, और फोर्थ पॉइंट है कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। सर क्या नहीं लिखा हुआ है ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा रूल थ्री में एप्लीकेशन मेंशन नहीं है, ये पूछा जाता है ऑब्सोलीट वर्ड करने के लिए आएगा तो उसमें जो है आप इसे इलेमिनेशन ट्रिक से जाएंगे, एप्लीकेशन बाहर हो जाएगा, रूल थ्री में ये पॉइंट पूछा जाता है। कोर्ट इशू को एट एनी टाइम बिफोर पासिंग अ डिक्री अमेंड द इशू, याद रखिएगा पूछा जाता है अमेंड और स्ट्राइक आउट कब किया जा सकता है, एट एनी टाइम बिफोर पासिंग अ डिक्री, बिफोर पासिंग अ डिक्री, ठीक है, बिफोर पासिंग अ डिक्री, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिएगा। चलिए आगे क्या पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं भाई, भाई रूल 15 में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जी बिल्कुल पूछे जाते हैं, यहां पूछा जाता है फर्स्ट हियरिंग से रिलेटेड डिस्पोजल कहां लिखा हुआ है, पार्टी इज नॉट एन इशू ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, कोर्ट जो है प्रोनाउंस कर देता है जजमेंट, कोर्ट प्रोनाउंस कर देता है जजमेंट, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका रूल वन इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। जी चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं भाई, समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस। देखो आप लोग ना इस रूल को थोड़ा सा हल्के में लेते हो, मगर मैं ऐसे बोलूंगा इसे हल्के में मत लेना क्योंकि यहां से कुछ क्वेश्चंस निकल के आएंगे। यहां पहला पॉइंट, लिस्ट ऑफ विटनेसेस कितने दिन में सबमिट करते हैं, मैक्सिमम 15 डेज, मैक्सिमम 15 डेज। ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि सीआरपीसी में भी इस तरीके से प्रोसीजर चलता है, तो वहां क्या दे रखा है, वहां ये बातें 204 में दे रखी हैं, यहाँ लिस्ट ऑफ विटनेस मैक्सिमम कितने दिन में सबमिट करनी होती है, 15 दिन के अंदर अंदर सबमिट करनी होती है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, व्हेन दे मे डिपार्ट, नहीं नहीं इसके अलावा यहां और क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जी रूल 10 इंपॉर्टेंट है, रूल 10 पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, रूल 10 पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, रूल 10 भी इसका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रूल 20, रूल 16 नहीं, रूल 20, कॉन्सिक्वेंसेज ऑन रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू गिव एविडेंस व्हेन कॉल्ड अपॉन बाय कोर्ट। तो ये कहते हैं उस केस में क्या होगा, कोर्ट में प्रोनाउंस जजमेंट अगेंस्ट हिम और मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू सूट एज इट थिंक फिट।
कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू गिव एविडेंस, इसके बारे में ये कहा जाता है। ठीक है, तो रूल 16 के ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑर्डर 16 में भी, ऑर्डर 16A में भी कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। पहली बात, यहां डिटेन्ड का वर्ड नहीं पूछा जाता, मगर प्रिजन का मतलब जरूर पूछा जाता है। पूछा गया है, जो स्टेट कोई प्लेस स्टेट गवर्नमेंट ने जनरल और स्पेशल लॉ के ऑर्डर से बनाई है। इसके अलावा रिफॉर्मेटरी और बोस्ट्रल इंस्टीट्यूशन और अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ लाइक नेचर, यहां से प्री का क्वेश्चन देखना जाता है। इसके अलावा इसके रूल 5 से, ऑर्डर 16A के रूल 5 से क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहां क्या क्वेश्चन देखने को मिलता है, यहां कहा जाता है कि पर्सन जो है ऑफिसर इन चार्ज इन प्रिजन कब मना कर सकता है। तो ये कहते हैं, अगर कोई मेडिकल ऑफिसर अगर किसी प्रिजनर को अनफिट डिक्लेयर कर दे, या फिर सिक और इन्फर्मिटी की वजह से, ये पॉइंट। उसके अलावा पेंडिंग ट्रायल है अंडर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, या फिर कोई पर्सन कस्टडी में है फॉर अ पीरियड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं जहां पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां इसमें यही वाला है जो पूछा जाता है कि ऑफिसर इन प्रिजन जो है समन पे भेजने के लिए कब मना कर सकता है विटनेस को। तो यहां ऑर्डर 16A के रूल 5 में आपको ये पॉइंट मिलता है। ठीक है, ये कुछ वो पॉइंट है जो आप आसानी से इस पॉइंट तक पहुंचते ही नहीं हो कि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आप लोगों को मैं हाईलाइट कराना चाहता हूं। ठीक है, देखो प्रिजन का मतलब भी कभी कभी ही पूछा है, बट पूछा गया है। जैसे यूपी में 2015 का अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो पूछा है। इनफैक्ट मैं आपको लेटेस्ट पेपर बताता हूं, गुजरात में 2019 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया, प्रिजनर्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, इनफैक्ट हिमाचल प्रदेश जुडिशरी में भी 2019 में क्वेश्चन पूछ लिया इससे रिलेटेड। ठीक है, कब मना कर सकता है यही वाला पॉइंट, ये हिमाचल प्रदेश जुडिशरी में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एडजटमेंट की। ठीक है, एडजटमेंट क्या होता है भाई, पोस्टपोनमेंट ऑफ डेट ऑफ हियरिंग जो है वो एडजटमेंट होता है। इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। ए कोर्ट में एट एनी टाइम ग्रांट एडजटमेंट, यहां लिखा हुआ है मोर देन 3 times, प्रोवाइडेड नो सच एडजटमेंट 3 times, ये वाला 3 times वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद कोर्ट जो है फिक्स कर देगा कॉस्ट ऑफ एडजटमेंट एंड शैल मेक सच ऑर्डर ऑकेजन बाई एडजटमेंट। ठीक है, उसके बाद आप लोगों से ना इसी में रूल 1 में, ऑर्डर 17 के रूल 1 में आप लोगों को रूल 2 का प्रोवाइजो मिलता है। यहाँ रूल 2 का प्रोवाइजो मिलता है प्रोवाइडेड डेट करके। यहाँ इसके पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ देखे हुए नहीं होते इसलिए पेपर में बड़ा इशू होता है, मगर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं, अगर सूट की हियरिंग हो रही है तो वो कंटिन्यू चलेगी, डे टू डे एग्जामिन कर लिया जाएगा, अनलेस एक्सेप्शनल रीजन। जब तक एक्सेप्शनल रीजन नहीं होते तब तक कोर्ट यहां हियरिंग को पोस्टपोन नहीं करेगा। इसके अलावा कोई एडजटमेंट ग्रांट नहीं किया जाएगा जब तक वो बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ डेट पार्टी नहीं हो, एक्सेप्ट वेयर डेट इज कंट्रोल बियॉन्ड पार्टीज। ये तो आसान है सर, कर लेंगे। ये कहते हैं प्लीडर इज एंगेज इन अनदर कोर्ट, ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। प्लीडर एंगेज इन कोर्ट, क्या ग्राउंड ऑफ एडजटमेंट है? प्लीडर एंगेज इन अनदर कोर्ट, क्या ग्राउंड ऑफ एंगेजमेंट एडजटमेंट है? तो याद रखिएगा, नॉट एन एडजटमेंट, नॉट अ ग्राउंड फॉर एडजटमेंट, प्लीडर एंगेज इन अनदर कोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट भाई, इलनेस ऑफ अ प्लीडर और इनएबिलिटी अदर देन एंगेज इन कोर्ट, भाई कोर्ट में किसी और कोर्ट में एंगेज है तो क्या वो ग्राउंड है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। प्लीडर किसी अदर कोर्ट में एंगेज है, भाई कहते हैं ना जूनियर जाके, योर लॉर्डशिप काउंसिल इज बिजी इन अनदर कोर्ट सर, काइंडली ग्रांट अस अ नेक्स्ट डेट, भाई यहां कहते हैं इट इज नॉट अ ग्राउंड फॉर एडजटमेंट।
कोर्ट जो है इस केस में एडजमेंट नहीं ग्रांट करते, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट और मिलेगा, विटनेस इज प्रेजेंट इन कोर्ट बट अ पार्टी ऑफ प्लीडर इज नॉट प्रेजेंट इज नॉट रेडी टू क्रॉस एग्जामिन कोर्ट में थिंग्स फिट रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस। यहां ये कहते हैं अगर कोर्ट में विटनेस प्रेजेंट है मगर पार्टी प्रेजेंट नहीं है और प्लीडर भी प्रेजेंट नहीं है, तो चाहे कोर्ट तो क्या कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है विटनेस के स्टेटमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है, ठीक है। तो ये रूल 17 का जो रूल 1 है इसके जो प्रोविजो है क्लॉज 2 का, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आप लोगों को अक्सर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। भाई यहां पूछा जाता है कोर्ट में प्रोसीड नॉट इज स्टैंडिंग पार्टीज फेल टू प्रोड्यूस एविडेंस। जी बिल्कुल, पूछा जाता है, यहां लिखना कोर्ट में प्रोसीड नॉट विद स्टैंडिंग ईदर पार्टी फेल्स। वहां पूछा जाता है डिफेंडेंट या प्लेंटिफ ईदर पार्टी फेल्स टू प्रोसीड। भाई कोर्ट जो है प्रोसीड करेगी केस को अगर कोई भी पार्टी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है एविडेंसेस को। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ईदर पार्टी, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद एक ये पॉइंट लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग सच डिफॉल्ट इफ पार्टीज आर प्रेजेंट प्रोसीड टू डिसाइड द सूट फोर्थविथ और पार्टीज ऑफ एनी देन एसेंट रूल प्रोसीजर अंडर रूल 2। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कभी कभी, तो इसे भी याद रखिएगा। मगर ईदर पार्टी वाला जो पॉइंट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 18 में, ठीक है। ऑर्डर 18 हियरिंग ऑफ सूट और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के बारे में बात करता है। पहली बात, भाई सूट की हियरिंग कौन करेगा? प्लेंटिफ के पास जनरली राइट टू ब्रिंग होता है, राइट टू बिगिन होता है, यानी कि प्लेंटिफ जो है सूट को स्टार्ट करेगा। इसके रेफरेंस में आप सेक्शन 101 इंडियन एविडेंस एक्ट को भी पढ़ते हैं कि जो पार्टी कोर्ट को अप्रोच करती है उसी को सबसे पहले एविडेंसेस देने होते हैं, अनलेस द डिफेंडेंट एडमिट डिफेक्ट्स एलिज एंड कंटेंट द डॉक्यूमेंट, ठीक है, बाय द डिफेंडेंट, इन विच केस डिफेंडेंट हैज अ राइट टू बिगिन। क्या डिफेंडेंट के पास भी राइट टू बिगिन होता है? जी बिल्कुल होता है, डिफेंडेंट हैज राइट टू बिगिन, ठीक है, इन सर्टेन केसेस डिफेंडेंट हैज राइट टू बिगिन। तो ये पॉइंट भी यहीं में लिखा हुआ है, यानी कि इसके आधार पे कहा जाता है कि दोनों के पास होता है, बट याद रखिएगा प्राइमरी पॉइंट जो है वो प्लेंटिफ के पास होता है। स्टेटमेंट एंड प्रोड्यूस ऑफ एविडेंस, यहां लिखेगा ऑन फिक्स्ड डे राइट टू बिगिन शैल स्टेट द केस। भाई जिसके पास राइट टू बिगिन है वो कोर्ट को अपना केस बताएगा और अपने एविडेंसेस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, उस इशू के रेफरेंस में जो कोर्ट ने फ्रेम किए हैं, उस इशू के रेफरेंस में जो कोर्ट ने फ्रेम किए। उसके बाद मैं आप लोगों से बोलूंगा इसमें ना 3A वाला पॉइंट भी देख के जाइएगा, रूल 3A। भाई ये क्या कहते हैं, पार्टी टू अपीयर बिफोर अदर विटनेस। अगर कोई पार्टी अपने आप को अपीयर कराना चाहती है, पार्टी हिमसेल्फ विशेस टू अपीयर एज एविडेंस, हिमसेल्फ विशेस टू अपीयर, तो उस केस में वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेगी? पहले प्रेजेंट करेगी, अपीयर बिफोर एनी अदर विटनेस। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अपीयर बिफोर एनी अदर विटनेस। भाई इसी के रेफरेंस में आप लोगों को अगर याद हो तो सीआरपीसी में सेक्शन 315 मिलता है, जहां एक्यूज्ड इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस के बारे में बोला जाता है सीआरपीसी में। तो ये पॉइंट यहां इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है। देखो जी, क्वेश्चन मिलता है या नहीं मिलता है बताओ मुझे। उसके बाद रूल 11 का मार्जिनल नोट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट अलाउड बाय द कोर्ट, रिमार्क ऑफ डेमनर ऑफ विटनेस। बाई डेमनर हाव भाव, विटनेस के हाव भाव भी
रिपोर्ट रिकॉर्ड करेगा। इसी के रेफरेंस में आप लोगों को सीआरपीसी का भी एक सेक्शन मिलता है ना 281, हाँ जी, डेमिनर ऑफ विटनेस को रिकॉर्ड करेगा कोर्ट। तो ये पॉइंट भी आपसे इसी के रेफरेंस में पूछा जाता है। उसके बाद मैं आप लोगों से बोलूँगा इसका रूल 16, एग्जामिन दी विटनेस इमीडिएटली। इस रूल को कहते हैं डी बेने एसे, डी बेने एसे इस रूल को कहते हैं। तो रूल 16 में ऑर्डर 18 के क्या लिखा है, डी बेने इससे लिखा है, कोई पार्टी अगर बाहर जाना चाहती है ज्यूरिस्डिक्शन छोड़ के कोर्ट का, तो उसे अगर पहले एग्जामिनेशन करवाना है तो वो करवा सकता है। यहां याद रखिएगा एक पॉइंट और लिखा है, एट एनी टाइम आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, यानी कि भले ही एविडेंसिंग स्टार्ट नहीं हुई है बट वो एप्लीकेशन ऑफ पार्टीज पे या विटनेस के अपने आप को एग्जामिन करा सकता है। डी बेने एसे, बोलिए जी बोलिए। उसके बाद यहां लिखा है कोर्ट में रिकॉल एंड एग्जामिन विटनेस, कोर्ट में रिकॉल और एग्जामिन विटनेस, सेम पॉइंट आपको सीआरपीसी में मिलता है सेक्शन 311 में, सेक्शन 311 में, इसलिए यह भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। सीआरपीसी में दो चार सेक्शंस तो इंपॉर्टेंट है ही, 300 वाले, जैसे कि 300 हो गया, 304 हो गया, 309 हो गया, 311 हो गया, 315 हो गया, 313 हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। इनफैक्ट 323, 325 और 327 सीआरपीसी में ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो 300 वाली सीरीज से। तो ये पॉइंट यहाँ भी दे रखे हैं इसी से रेफरेंस में, इसलिए ये पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब ऑर्डर 19 के बारे में बात कर लेते हैं भाई, एफिडेविट के बारे में। एफिडेविट से क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, एफिडेविट में आप अपना कंटेंट देते हो सफिशिएंट टू प्रूफ, मगर मैं आपसे बोलूंगा यहाँ इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ रूल 3, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। एफिडेविट में क्या लिखोगे, अपॉन हिज नॉलेज ये वाला पॉइंट, फैक्ट कंटेंट डेपोनेंट इज एबल टू अपॉन हिज नॉलेज, ठीक है, ऑन विच द स्टेटमेंट ऑफ हिज बिलीफ, ऑन विच द स्टेटमेंट इज बिलीफ, ठीक है, ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। मैटर कन्फाइंड ऑन विच एफिडेविट इज गिवन, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये रूल 3 से रिलेटेड है। इसके बाद ऑर्डर 20 पे आ जाते हैं, जजमेंट और डिग्री, भाई सारी चीजें हो गई तो उसके बाद कोर्ट जो है जजमेंट दे देता है, ठीक है। यहां रूल 3 में, सॉरी रूल 1 में यहां क्या इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं भाई। यहां जो टाइम पीरियड दे रखा है ना भाई, जजमेंट जो है वो ओपन कोर्ट में दिया जाएगा, इसे हाईलाइट कीजिएगा। उसके बाद लिखा है नॉट प्रोनाउंड एट वंस एवरी एंडेवर शैल बी जजमेंट इन 30 डेज, जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस किया जाएगा 30 दिन में, कहाँ से, हियरिंग ऑफ केस से, फ्रॉम हियरिंग ऑफ केस से, जब से हियरिंग जो है कंक्लूड हुई है तब से। अगर कोई एक्सेप्शनल केस है तो नॉट ऑर्डिनरली मोर देन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ हियरिंग वॉज कंक्लूडेड, भाई ये हियरिंग चली, हियरिंग चल के कंप्लीट हो गई, ठीक है, यहाँ हियरिंग कंप्लीट हो गई, इसके बाद 30 दिन तक आपको यहाँ डिग्री दे, जजमेंट दे देना है, जजमेंट दे देना है यहाँ तक। अगर मैक्सिमम स्ट्रेच होता है तो फिर उसके बाद यहाँ 30 दिन का स्ट्रेच और हो सकता है, यानी कि टोटल 60 डेज, यहाँ से टोटल 60 डेज का स्ट्रेच हो सकता है जब तक आप जजमेंट लिख दो। उसके बाद मैं आप लोगों को कोई और रूल पढ़ाऊँ, उससे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा रूल 6A, वो रूल देखो पहले, रूल 6A, ये कहते हैं जजमेंट के बाद डिग्री कितने दिन में बन जाएगी, 15 दिन में, फ्रॉम विच जजमेंट इज प्रोनाउंसड, यानी कि हियरिंग से लेके यहां हियरिंग एंड हुई
30 दिन में जजमेंट, 30 डेज में जजमेंट अगर हुआ तो एक्सटेंडेड पीरियड कितना हो सकता है? 30 दिन एक्सटेंडेड पीरियड, 30 दिन यानी कि मैक्सिमम 60 डेज, मैक्सिमम 60 डेज। उसके बाद ये कहते हैं यहां से 15 दिन में डिक्री, यहां से 15 दिन में डिक्री, ठीक है, यहां से 15 दिन में डिक्री। ठीक है, अगर ये 15 दिन में डिक्री नहीं आती तो याद रखिएगा लास्ट पैरा ऑफ जजमेंट विल वर्क एज डिक्री, लास्ट पैरा ऑफ जजमेंट वर्क एज डिक्री, लास्ट पैरा ऑफ जजमेंट वर्क एज डिक्री, वो जो है डिग्री की तरह काम करता है। तो ये याद रखिएगा, मैंने आपको पूरा सीक्वेंस बता दिया है, ये पूछा जाता है आप लोगों से प्री के एस्पेक्ट पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए बताइए भाई, बात समझ आ रही है आप लोगों को? चलिए इसी के रेफरेंस में मैं आप लोगों को आगे का पॉइंट बता देता हूं। यहां कहा जाता है रूल टू में, नहीं रूल टू नहीं है भाई, उसके बाद रूल फोर, रूल फोर भी इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। रूल फोर में पूछा जाता है आपसे डिग्री में क्या क्या होता है। अगर डिग्री जो है कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज की है तो उसमें क्या होता है? पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड डिसीजन, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड डिसीजन। भाई जजमेंट इसका मतलब दो तरीके के हो गए, एक हो गया स्मॉल कॉज कोर्ट का, स्मॉल कॉज कोर्ट का, और दूसरा हो गया अदर कोर्ट का। यहां कहते हैं ये जो है इसमें क्या लिखा जाएगा? पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन प्लस डिसीजन। यहां इस केस में अदर कोर्ट में क्या लिखा जाएगा? यहां कहते हैं अदर कोर्ट में कंसाइंस स्टेटमेंट, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन प्लस डिसीजन प्लस रीजन, प्लस रीजन, ये इंपॉर्टेंट है। यहां डिसीजन के साथ रीजन देने की जरूरत नहीं है, स्मॉल कॉज कोर्ट में, अदर कोर्ट में रीजन भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये पूछा जाता है। बोलिए जी, बोलिए, समझ आ रहा है? पॉइंट समझ आ रहे हैं कहां कहां से पूछे जाते हैं? उसके बाद भाई स्टेटमेंट ऑन विच डिसीजन ऑन ईच इशू, भाई कोर्ट जो है अपनी फाइंडिंग्स जो देगा वो हर इशू पे देगा और उसके साथ रीजन भी देगा। विद दी रीजन, जब मैं आप लोगों को कभी जजमेंट राइटिंग पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा इसी ऑर्डर के रेफरेंस में कोर्ट जो है अपनी डिग्री, सॉरी जजमेंट को फ्रेम करता है। ठीक है, चलिए, कंटेंट ऑफ डिग्री, भाई डिग्री में क्या क्या कंटेंट होता है? डिग्री जो है एग्री करती है इट शैल कंटेन दी नंबर ऑफ द सूट, सूट का नंबर होता है, इसके अलावा पार्टीज का नाम होता है, क्लेम होता है, रिलीफ होती है। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं अगर कोई अमाउंट ग्रांटेड होता है तो वो अमाउंट लिखा होता है, और कॉस्ट होती है तो कॉस्ट लिखी होती है, टू अदर शैल बी सेट आउट एडमिटेड और फॉर्म। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है जो कंटेंट ऑफ डिग्री में लिखे होते हैं, ये भी याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कंटेंट ऑफ डिग्री, कंटेंट ऑफ डिग्री क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद आगे के पॉइंट, तो यहां कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ डिग्री, ये भी इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ डिग्री कौन सी होती है? डेट ऑफ डिग्री जिस दिन जजमेंट जो है दिया जाता है। डिग्री पर कौन सी डेट दी जाएगी? डिग्री पर डेट मेंशन होगी ऑन विच जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड, ऑन विच जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड, ये डिग्री पर डेट होती है। डिग्री शैल बी द डेट ऑन विच जजमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड। भाई प्रीवियस ईयर में देखे हैं आप लोगों ने ये क्वेश्चंस, पूछे जाते हैं या नहीं बताओ जी, बताओ, क्वेश्चंस ये पूछे हुए देखे हैं आप लोगों ने? चलिए आगे की बात कर लेते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं डिस्कवरी फॉर डिग्री फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। याद रखिएगा यहां जो है ना आपसे प्री का क्वेश्चन के एस्पेक्ट पे यही पॉइंट पूछता है कि यहां कौन कौन सी डिग्री कहां कहां दे रखी है। रूल 9 में इमूवेबल प्रॉपर्टी, रूल 10 में मूवेबल प्रॉपर्टी, और उसके बाद यहां रूल 11 में इंस्टॉलमेंट, रूल 11 में इंस्टॉलमेंट। तो याद रख सकते हैं भाई 9, 10 और 11, यहां आई एम आई, यहां क्या है इमूवेबल प्रॉपर्टी और यहां क्या है इंस्टॉलमेंट।
तो आई एम आई के नाम से ये तीन सेक्शन कवर हो जाते हैं, आई एम आई, ठीक है। ई एम आई होता है उसकी जगह याद रख लीजिएगा, आई एम आई दे रखा है, ठीक है। उसके बाद यहां आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भाई कोर्ट जो है यहां इंस्टॉलमेंट के लिए पेमेंट के लिए बोलती नहीं है, बट फिर भी कभी कभी बोल सकती है, ठीक है। उसके अलावा यहां कहा जाता है डिक्री ऑफ पोजेशन एंड मेसने प्रॉफिट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई एम आई से क्या मिल रहा है भाई, पोजेशन मिल रहा है, आई एम आई से पोजेशन मिल रहा है जिससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, आई एम आई से पोजेशन मिल रहा है जिससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और इस प्रॉफिट के बदले आप क्या कर सकते हो भाई, अपनी प्रॉपर्टी को अब जब पोजेशन मिल चुका होगा तो सेल कर सकते हो, सेल कर सकते हो, और अपने आप को अपनी लाइफ में एडमिनिस्टर कर सकते हो, या फिर लिख सकते हो अगर नहीं देता है तो आप किसी पर्सन के अगेंस्ट सूट एडमिनिस्टर कर सकते हो, ठीक है। और अगर सूट एडमिनिस्टर करोगे तो यहाँ प्रीएम्पशन का राइट क्लेम होगा, यानी कि आपका राइट सुपीरियर कोर्ट पे क्लेम किया जाएगा। ये प्रीएम्पशन वैसे नेबर का राइट होता है, बट याद करने के लिए आप इसे ऐसे फ्रेम कर सकते हो। जब प्रीएम्पशन का राइट होगा तो यहाँ फिर उस केस में यहाँ तक लिख लीजिएगा, और फिर उसके बाद याद रखिएगा रूल 50 में प्रिंस पार्टनरशिप दे रखा है और प्रिंसिपल और एजेंट दे रखा है, प्रिंसिपल और एजेंट। तो याद रखिएगा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आई एम आई मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिया, पोजेशन आ गया, फिर उसके बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर सेल लीज इमूवेबल प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सूट और प्रीएम्पशन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप प्रिंसिपल एजेंट, ये रूल 9 से लेके 16 तक, रूल 9 से लेके 16 तक डिग्री कौन कौन सी कहाँ कहाँ मेंशन है बहुत पूछा जाता है, इसे अच्छे से देखकर जाइएगा, ठीक है, इसे अच्छे से देखकर जाइएगा। उसके बाद यहां इसके रेफरेंस में आगे का पॉइंट बता देता हूं भाई, ऑर्डर 20A में एक्सपेंडिचर ऑफ नोटिस, एक्सपेंडिचर ऑफ नोटिस, इसके अलावा यहां और पॉइंट लिखा होता है भाई टाइपिंग, कहां गया भाई टाइपिंग राइटिंग और प्रिंटिंग के एक्सपेंसेस, इसके अलावा इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड के एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस आप किसी अदर पर्सन से क्लेम कर सकते हो, ठीक है। इसे रीड किया जाता है ऑफ कॉस्ट सेक्शन 35 के साथ, जहां आप लोगों को टाइप्स ऑफ कॉस्ट भी बता रखे, 35A 35B वो पॉइंट जो है वो भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ऑर्डर 20A में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑर्डर 21 इसके रेफरेंस में क्या कहता है भाई, आज स्टूडेंट अभी कम है इसलिए मैं इस क्लास को यहाँ क्लोज कर रहा हूँ, बाकी अगर स्टूडेंट लोग जो मुझसे बोलेंगे भाई, जो स्टूडेंट को चाहिए आगे की क्लास, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर करके बताइएगा कि आप लोगों को ऑर्डर 21 से लेके आगे तक की क्लास चाहिए, तो मैं आगे की क्लास भी आप लोगों के साथ कंडक्ट करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं इस पॉइंट को क्लोज कर देता हूँ, वरना ऑर्डर 21 भी हम थोड़ा और कंप्लीट करते ताकि आप लोग आगे के क्वेश्चंस भी कर पाए, ठीक है। ये प्री के एस्पेक्ट पे कुछ और जानना हो तो पूछ सकते हैं। आप लोगों से फिर से बोलूंगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, अपनी लैकिंग पहचानिएगा। जैसे ये पॉइंट मैंने आप लोगों को हाईलाइट कराए ना, ये कंटेंट के पॉइंट कहलाते हैं, कंटेंट के पॉइंट। तो कंटेंट के पॉइंट आप डाल सकते हैं कहाँ कहाँ कंटेंट के पॉइंट रहते हैं। ऑर्डर्स और सेक्शंस याद करने के तरीके मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ट्रिक वीडियो में शेयर कर रखे हैं, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो आज के लिए मैं इसे यही करता हूँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।